दीपक बुझने के पश्चात किसी काम का नहीं रहता, यही हमारी सोच होती है। परंतु इसमें बुझे हुए दीपक का कोई दोष नहीं, दोष है हमारे दृष्टिकोण का, क्योंकि दीपक बुझने के पश्चात भी अपने तले में काजल छोड़ जाता है। वो काजल जो प्रकाश भले ही ना दे, परंतु प्रकाश में देख सकने में सक्षम हमारे नेत्रों को शीतलता प्रदान करता है और निरोगी रखता है। इसी प्रकार जीवन में मिली कोई भी पराजय संपूर्ण पराजय नहीं होती, क्योंकि वो अपने पीछे छोड़कर जाती है सीख की रेखा, वो रेखा जिस पर चलकर आप पुनः विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पराजित होने पर हताश मत हो, दृष्टिकोण बदलो। बुझता हुआ दीपक नहीं, उभरता हुआ काजल देखो। इस पत्ते को देख रहे हैं आप, जब अंकुर फूटता है तो ये अत्यंत कोमल और हरा होता है, फिर वर्षा ऋतु में वृक्ष के साथ साथ पड़ता भी है। परंतु कड़ी धूप पड़ते ही अपना रंग बदलना आरंभ कर देता है और पतझड़ में तो वृक्ष का साथ भी छोड़ देता है। परंतु वृक्ष मरता नहीं, क्योंकि वो इस पत्ते के नहीं अपनी जड़ों के भरोसे पर रहता है। इसी प्रकार जीवन में भी ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहे जो परिस्थितियां देखकर अपना रंग बदलते और दृढ़ विश्वास बनाए रखे केवल स्वयं पर। ये छोटा सा पौधा एक दिन एक विशाल वृक्ष बने, परंतु वृक्ष कितना भी विशाल क्यों ना, सिंचाई के लिए जल उसकी जड़ों को ही दिया जाता है, क्योंकि जड़ें जहां एक ओर वृक्ष की ऊंची से ऊंची डाली और पत्ते को सींचती, वहीं दूसरी ओर गहराई में जाकर उसके अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक भी सिद्ध होती। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि जितना गहरा और दृढ़ उसका स्वयं पर विश्वास होगा, जितने निरंतर उसके प्रयास होंगे, उतनी ही ऊंची उसकी सफलता की सीढ़ी भी होगी। नीतियां मेरी, नियति आपकी।